नगर के टाउन हॉल में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के अंतिम दिन मोटे अनाज से बने व्यंजनों की प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थानों को पुरस्कृत किया गया। ज्वार की मोटी मीठी नमक पारा में शाम्भवी तिवारी प्रथम, द्वितीय शालिनी कश्यप, तृतीय अनुपा सावा के खीर में राजेश यादव प्रथम, दूसरा पलक कशोधन, तीसरे स्थान पर आकांक्षा सिंह, रागी का हलवा में प्रथम रेशमी देवी, सौम्या पांडे को दूसरा स्थान, निर्णायक कमेटी में अध्यक्ष डॉ. रेखा शर्मा, सदस्य डॉ. रामलखन सिंह, ए.के. मिश्रा शामिल रहे। कार्यक्रम का समापन CDO एम अरुण मोली ने किया। इस मौके पर DDO सुभाष, सुशील कुमार श्रीवास्तव, कृषि अधिकारी JP यादव उपस्थित रहे। प्रेम कुमार ठाकुर, उप कृषि निदेशक गोंडा। आज का यह कार्यक्रम, यह दो दिवसीय कार्यक्रम कल से ही प्रारंभ हो गया था, जिसमें कि कल रोड शो एवं उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम दिवस कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, जिलाधिकारी महोदया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा किया गया था। और आज भी मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा यह कार्यक्रम का संचालन किया गया। यह कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो हमारी फसल पद्धति है उसमें मिलेट्स का समावेश करना। मिलेट्स मतलब अर्थात जिसे हम श्री अन्न के नाम से जानते हैं, जिसमें कि हमारी फसलें आती है ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी, चीना, काकून, कुक्कुट, ये सभी हमारी श्री मिलेट्स या श्री अन्न की फसलें हैं। इसका उद्देश्य है कि यह, चूंकि ये फसलें जो हैं, इनके जो अनाज हैं, इनसे जो उत्पन्न अनाज होते हैं, यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अतः जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल हम पोषक तत्व के अभाव में तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, जैसे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तरह तरह के कैंसर और अन्य कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि हम स्वस्थ नहीं है, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हम एक जैसे कि या तो हम कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन कर लेते हैं या फैट का अधिक सेवन कर रहे हैं, इससे तरह तरह की बीमारियां हो रही है। तो ये है कि हमको कम खर्चे में मिलेट्स का उत्पाद ऐसा होता है जो कि कम खर्चे में उपलब्ध होता है और कम खर्चे में हमको सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। तो एक तरह से देखिए तो यह एक ऑल इन वन है, मैंने एक चीज में सभी तत्व पाए जाते हैं। तो यह देखिए समग्र रूप से बहुत ही अच्छी है, इसलिए रेसिपी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है कि इसमें तरह तरह के उत्पाद बनाए, जैसे लड्डू, बिस्किट, खीर, नमक पारा, इस तरह के उत्पाद जो है लोग खाएं और जिससे कि उनको स्वादिष्ट भी लगेगा और उनको पोषक तत्वों की पूरी आपूर्ति होगी। जी इसमें जो है सो एक रेसिपी का प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है आज। इसमें हमारे रेस्टोरेंट को भी लोग शामिल हैं, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं वो भी शामिल हैं, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं हैं, वो भी शामिल हैं। तो तीनों का अलग अलग कम्पिटिशन हो रहा है और तीनों ने अपने उत्पाद तैयार किया गया है और उनके आधार पर मूल्यांकन करके